कंक्लूजन रहा है आज का? मैं तो हैरान हूँ भाई कि आप लोग अभी भी यहाँ पे क्यों। हाँ, पत्रकार भाइयों से निवेदन है कि वो घर जाके सो जाए। आज का जो रहा, बहुत सारे विधानसभा से अनुपस्थित रहे कैंडिडेट, तो उनको क्या गैर गंभीर माना जाए? ऐसा कुछ नहीं, मैं पत्रकार भाइयों से दोबारा निवेदन करूंगी कि वो संगठन के बारे में या कांग्रेस को अपना काम करने दे। यही प्रश्न आप भाजपा में जाके पूछ के देखिए, संगठन के बारे में या उनके कार्यकारिणी की बैठकों के बारे में, तो वो आप वहां पे ये प्रश्न भी नहीं पूछ सकते उनको। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मतलब जो हुआ, जो अभी आज मतलब अभी रात 1 बजे तक जो चल रहा है, विभिन्न दावेदारों से आपको दावेदारों से चर्चा वन हुई टू है? वन बातचीत हुई। रात की 1 बजे हो या सुबह के 5 बजे, कांग्रेस एक परिवार है और कांग्रेस के भाई और बहनों साथ में बैठ के चर्चाएं कर सकते हैं, रणनीतियां बना सकते हैं। तो ये बस कम हो रहा है हमारा। बताइए मेरे भाई, बीजेपी ने अपना पहला लिस्ट जारी कर दिया है मैडम, तो छत्तीसगढ़ में क्या कांग्रेस कब तक जो है प्रत्याशियों के लिए लिस्ट जारी करेगी? शेष नेतृत्व इस पे डिसीजन लेगा और जब भी शेष नेतृत्व को योग्य लगे वो लिस्ट जारी होगी। सैकड़ों की संख्या में आपने दावेदारों से आज चर्चा की है, क्या दावेदारों से चर्चा करने के बाद एक बात साफ हुई है कि सारे दावेदारों ने ये कहा है कि नेतृत्व, कांग्रेस की नेतृत्व जिसको भी टिकट दे वो एक साथ मिलके काम करेंगे। और दोबारा भूपेश जी ने जिस तरीके से यहाँ पे जो कांग्रेस ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाया है और जिस तरीके से ये सरकार ने लोगों के हित में काम किया है, तो जनता के हित में सब एक होके दोबारा यहाँ पे कांग्रेस की सरकार लाने का काम सारे जितने भी टिकटार्थी थे, जितने भी लोग मुझसे मिले, उन्होंने यही बात रखा है कि उनको छत्तीसगढ़ के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी को दोबारा 5 साल में सत्ता में लाना है। कब तक इसका प्रोसेस पूरा हो जाएगा? आपको टिकट की आप बहुत जल्दी है भैया, आप बताइए आपको आ कहाँ से लड़ना है। हाँ, जी, क्या कब तक फाइनल हो जाएगा प्रोसेस? मैंने आपको अभी बता दिया है कि श्रेष्ठ नेतृत्व इस पर डिसीजन लेगी। थैंक यू मैडम।